हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल टुडे? होप सब लोग सही हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ उन लोगों को जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो एक्चुअली पेंटिंग के ऊपर है। आज का पेंटिंग है, बंगाल में अभी दुर्गा पूजा आने वाली है और अभी ये दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है। हर तरफ यहाँ पे पंडाल्स, दुर्गा पूजा, बस मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी फीलिंग आती है जब ये टाइम आता है। तो इस टाइम के ऊपर बेस करके इस टाइम में हमारे यहाँ पे कुछ फ्लावर्स आते हैं और मेरे यहाँ पे क्यों बहुत जगहों पे आते होंगे, तो मैंने वही क्रिएट करने की कोशिश की है और इस समय वेदर जैसा रहता है उसको बनाने की कोशिश किया है। और उसके साथ मैंने आज माँ दुर्गा आ रही है तो उनका जो आगमन है तो उनका आगमन के लिए मैंने उनकी आईज़ ड्रॉ की है इसी वीडियो में, स्काई में। तो मुझे बताना पेंटिंग कैसी हुई है। मुझे आज बस पेंटिंग करना था और मेरे बस दिमाग में यही आ रहा था, क्योंकि दिल में जब पूजा आती है ना, बंगाली में जब पूजा आती है, दुर्गा पूजा आती है, तो अंदर से अजीब सी फीलिंग्स आती है। वो फीलिंग मुझे बस कॉल कर रही थी तो मैंने बस आज ये बस बना दिया अपने दिल से। तो मुझे नहीं पता आज का ड्राइंग कैसा है, मगर मैं आज आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था एक वीडियो जहाँ पे मैंने कैनवास मंगाया था और वहाँ से मैंने कैनवास की अनपैकेजिंग की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख सकते हो, मैंने छोटा सा कैनवास मंगाया था। तो आज मैं उसी कैनवास का यूज़ करते हुए आज ये पेंटिंग बना रही हूँ। और उससे भी बड़ी बात, मैंने सोचा था पहले कि ऑयल पेंट करूँगी, मगर फिर सोचा कि नहीं, ऑयल पेंट नहीं करूँगी। तो मैंने आज जो पेंटिंग किया है वो एक्चुअली एक्रेलिक पेंट है, वाटर कलर नहीं है, ये एक्रेलिक पेंट है। और मैंने पूरा जो पेंटिंग है वो मेरा एक्रेलिक पेंट के साथ है। और ये भी बता दूँ, मैं बेसिक 5 कलर के साथ, आई मीन वाइट, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड येलो, इन 5 कलर को मिक्स करने के साथ ही मैंने आज का ये वीडियो बनाया है और ये पेंटिंग बनाई है। बुरा लगे तो प्लीज़ बताना और क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास एक्रेलिक पेंट्स को लेकर कोई टिप्स है तो वो मुझे शेयर करो। और आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो और बस कैसा हुआ है बताना। आज मैंने दिल से ये पेंटिंग किया है और पहली बार मैंने एक्रेलिक यूज़ किया है, तो मुझे नहीं पता कैसा बना है, या आप लोगों पे छोड़ती हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टाटा।